नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश में गांधी गोड से एक युद्ध फिल्म पर विवाद, बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने। इंडिगो की फ्लाइट में यात्री ने इमरजेंसी गेट खोला, मची अफरा तफरी। विमान चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जा रहा था, फ्लाइट ने प्रेशराइजेशन जांच के तुरंत बाद फिर उड़ान भरी। डीसीजीए ने जांच के आदेश दिए। कांजीवाला केस से जुड़ी खबर, आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा लगाने की तैयारी में पुलिस। कंजावला मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच मंगलवार को आरोपियों के वकील ने पुलिस का हवाला देते हुए कोर्ट में एक और जानकारी दी। संगीत रागी बोले, राहुल गांधी का मतलब एंटरटेनमेंट, उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। संगीत रागी ने एक निजी चैनल पर चर्चा के दौरान कहा कि राहुल गांधी का एक ही मतलब है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मैं आरएसएस के ऑफिस में नहीं जा सकता, मेरा गला काटना पड़ेगा, बोले राहुल गांधी। सुरक्षा में चूक पर भी दिया जवाब। मुस्लिम कारोबारी की पिटाई मामले में सामने आई छेड़खानी की शिकार महिला, बताई पूरी सच्चाई, केस दर्ज। 2019 से बड़े जनादेश के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी, बोले अमित शाह। स्कूटी में बांधकर बेंगलुरु की सड़क पर वृद्ध को घसीटा, कर्नाटक के बेंगलुरु में शर्मनाक घटना हुई है। स्कूटर सवार युवक ने एक वृद्ध को स्कूटर से सड़क पर काफी दूरी तक घसीटा, इससे वृद्ध का शरीर छिल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिमाचल में हार के बावजूद जेपी नड्डा ही बीजेपी के बॉस, ये साल उनके लिए है अग्निपथ। जेपी नड्डा को बीजेपी हाईकमान ने जून 2024 तक फिर से पार्टी की कमान सौंप दी है। मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे जेपी नड्डा 2010 में राष्ट्रीय राजनीति में आए थे। 2014 के बाद उनका कद लगातार पार्टी में बढ़ता गया। नर्मदा नदी के किनारे पड़ताल के बाद जागा प्रशासन, अब सैटेलाइट सर्वे कराने की तैयारी। गोलियों की बौछार से दहला हरियाणा का सिरसा, अंधाधुंध फायरिंग में दो की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। करनाल में घर के बाहर खड़े बच्चे पर पिटबुल ने किया हमला, ग्रामीणों ने पीट पीट कर कुत्ते को उतारा मौत के घाट। पिटबुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मारपीट के दौरान अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। वहीं कुत्ता मालिक के पास अभी तक पिटबुल पालने की अनुमति संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में एक तीर से साधे दो निशाने, इशारों में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को बता दिया अपना इरादा। थाने के एक अपार्टमेंट में लगी आग, दम घुटने से दादा पोती की मौत। कल्याण शहर के घासबाग इलाके में एक इमारत की तीसरी मंजिल पर तड़के करीब 3:30 बजे यह हादसा हुआ। धुएं के कारण दादी और पोती की मौत दम घुटने से हुई। महाराष्ट्र में दो हफ्तों में दूसरा बड़ा हादसा, पुणे से लातूर जा रही बस खाई में गिरी, 53 यात्री घायल। जम्मू कश्मीर बडगाम जिले में दो आतंकी ढेर, जम्मू कश्मीर बडगाम जिले में एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश कर रही सेना और पुलिस के संयुक्त क्षेत्र नियंत्रण टीम पर गोलीबारी के बाद जवाबी गोलीबारी में दो आतंकवादी मारे गए। दोनों की पहचान पुलवामा के अरबाज मीर और शाहिद शेख के रूप में हुई। गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की हो रही थी तस्करी, DRI ने 80 करोड़ रुपए मूल्य का सामान किया जब्त। नालंदा में पिता पर लगा बेटे की हत्या का आरोप, किशोर की मामी ने किए चौंकाने वाले खुलासे। नालंदा के राजगीर थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी मोहल्ले की घटना बताई जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। किशोर की मामी ने पूरी घटना बताई। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़।